18 सितंबर को जबलपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ धूमधाम से करके चले गए हैं। लेकिन क्या उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या इस योजना के जरिए लोगों को राहत है, इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए हमने ग्रामीण इलाकों का रुख किया तो वहां पता चला कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण उज्ज्वला योजना को किस तरह अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बरगी विधानसभा के जनपद शहपुरा के ग्राम सहजपुर में आज भी आदिवासी महिलाएं और उनके बच्चे अपने सिर पर जंगल से लकड़ी काटकर अपने घर का चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। सहजपुर गांव में कई आदिवासी गरीब महिलाएं हैं जिनका गरीबी रेखा कार्ड भी है, परंतु जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिला वो पैसे की कीमत के चलते गैस सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रही हैं। जंगल से लकड़ी काट कर ला रही गरीब आदिवासी महिलाओं से जब जानकारी ली तो उन महिलाओं ने साफ कहा कि उज्ज्वला योजना से कुछ महिलाओं को गैस सिलेंडर तो मिला लेकिन उसे भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और ना ही उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। मिला है सर, मगर वो तो अब काम धंधा लगेंगे जब तो भरवाएंगे हम लोग, इसलिए योजना कछु मिलता ही नहीं हम लोग का, इसलिए हम लोग भरवा नहीं पाते। पैसा ऐसा भी डालते नहीं है, बोलते हैं कि पहले बोलते थे कि 8 टंकी भर जाएगी इसके बाद में खाते में पैसा आएगा, फिर वो आते ही नहीं, एक बार भराया था बस, फिर दोबारा आ रही नहीं भी आया। फिर कैसे खाना वगैरह कैसे बना रहे हैं? अब का कर जंगल जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए जब बनता है खाना। कहाँ के रहने वाले हैं? सहजपुर के, सहजपुर के रहने वाले हम लोग। क्या क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? अब सरकार दे हम लोग का भी गैस फ्री, जैसे भरवाने के लिए पैसा डलवाओ खाता में, जब तो हम लोग गरीब जनता नूच करेंगे उसका, नहीं तो का भरवाए नहीं थे सर, जब ही नहीं मिला अभी नहीं मिला, इसलिए आप चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। और का क्या करें, अब आना पड़ता है, हिम्मत भी नहीं है तो आप अभी तो है कि काय में बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि योजनाओं का क्रियान्वयन अगर सही ढंग से किया जाए तो लाभ सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अक्सर लाभ कितना मुश्किल हो जाता है और यही हाल अब देखा जा रहा है। कहीं योजना का लाभ तो मिल रहा है लेकिन वहां पर इतने पैसे ही नहीं कि सिलेंडर भरवा सकें, तो दूसरी तरफ कहीं पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर इस अभियान को प्रभावी बनाना है तो इसके लिए ग्राउंड लेवल पर पहुंचना जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।